लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए पत्रिका समूह सदैव जनता के संवाद और भागीदारी में विश्वास रखता आया है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल स्वच्छ राजनीति की बुनियाद पर जनता के साथ संवाद और भागीदारी से ही संभव है। इसी उद्देश्य से पत्रिका ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेंज मेकर्स महाअभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजनीति में स्वच्छता एवं स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने का था। इसी के तहत विधानसभा चुनाव 2018 में जनप्रतिनिधियों से उनकी प्रतिबद्धता जनता द्वारा और जनता के लिए क्या रहेगी, इसके बारे में जन एजेंडा मांगा गया था। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जायल विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर मंजूद मेघवाल से और पूछेंगे सवाल 10 सूत्रीय जन एजेंडा को लेकर और जानेंगे क्षेत्र के विकास के लिए क्या है आपकी विधायक की सोच। नमस्कार, माय मेंबर शो में आज हमारे साथ हैं नागौर जिले की जायल विधायक मंजू मेघवाल जी। मंजू मेघवाल जी पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही है। आइए आज उनसे उनके पारिवारिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बातचीत करते हैं। मंजू जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मंजू जी बताया आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत किस तरह से हुई? मेरे राजनीतिक की शुरुआत 2000 से हुई थी। पंचायत समिति मेंबर से मैं निर्विरोध सदस्य बनी। उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य के बाद में मैं प्रधान भी निर्विरोध बनी थी और 2000 से मेरे राजनीतिक शुरुआत हुई जो लगातार चल रही है। आप पिछली गहलोत सरकार में मंत्री भी रही हैं, तो इस बार आपको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, तो क्या मानते हैं इस बार आप? देखिए ये चीज़ तो हाईकमान की, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ, मेरे को मेरी जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया काम करने का, तो मैं उनकी सेवा करूँगी। इस बारे में ऊपर वाले को। मंजू जी आप शुरुआत से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं या मतलब शादी के बाद आपकी राजनीति में सक्रियता बढ़ी है? नहीं, पहले जरूर स्टूडेंट लाइफ में जरूर इस चीज़ों का शौक भी था ही, लेकिन शादी के बाद में जैसे रिजर्व आरक्षण की जब ये बात चली थी तो गांव वालों ने आके मुझे कहा था कि भाई पढ़ी लिखी चाहिए अपने एससी की सीट है, तो उस टाइम ये शुरुआत उस टाइम से शुरू कर दी और फार्म भरा और सपोर्ट किया और निर्विरोध पंचायत समिति और फिर प्रधान बन गई थी। सरकार में आपकी पहले भागीदारी रही है, आप फिर दोबारा से आपको विधायक बनने का मौका मिला है, सरकार आपकी है, क्या आपके सपने हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया, इसके लिए तो मैं उनके तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक मुझे पहला मौका दिया पब्लिक ने, तो उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, जो काम है, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे ITI की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी नहर के पानी की बात हो, तो मैंने जो बड़े काम हो वो मैंने 2008 में मुझे मौका दिया तब मैंने किया। अब भी मुझे दोबारा मौका दिया तो जनता के जो जनहित के काम हैं, चाहे उनके पर्सनल काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो, जो जनता मुझसे कहेगी उनकी मूलभूत आवश्यकता के आधार पर जो भी काम कहेंगे, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी हर उनका काम में। मंजू जी एक स्त्री होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक महिला की जो पहली प्राथमिकता होती है अपना परिवार होती है, तो आप किस तरह से राजनीति में आने के बाद परिवार के साथ सामंजस्य बिठा पाती हैं? ये थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं, क्योंकि परिवार में समय कम देना निश्चित तौर पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पब्लिक की से जब सेवा में लग गए तो परिवार को हम कम टाइम दे पाते हैं। अब जैसे सुबह उठने का मेरा जैसा रहता है, तो दिन भर ये घर का दिनचर्या का काम करने के बाद में पब्लिक से पूरा दिन भर रात तक चलता रहता है, तो समय पब्लिक को परिवार को थोड़ा कम दे पाते हैं इस चीज़ में। मंजू जी पत्रिका टीवी के दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है और बच्चे किस तरह से क्या कर रहे हैं? मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है, मेरे फादर इन लॉ तो रहे नहीं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं मेरा परिवार। मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं वो PhD में IN है, और बीच वाले जेठ जी वो किसान है, खेती का काम करते गांव में रहते हैं। सबसे छोटे मेरे हस्बैंड है जो टीचर हैं, और 6-7 बहनें हमारे, ननदें हमारी, और मेरे जो हैं 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरे परिवार का है, मेरे जो ससुराल का। बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे दोनों ही। मंजू जी बड़ा मुश्किल होता है एक स्त्री के लिए, मतलब बच्चे कहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, क्षेत्र में आना जाना, तो क्या कभी असहज महसूस नहीं करते? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे बच्चे सेटिस्फाई हैं मुझसे, उनको पता है कभी मम्मी पब्लिक की सेवा करे तो वो इस चीज़ से कभी शिकायत नहीं करते हैं,
उन्होंने अपनी तरफ से मैनेज कर लिया उन्होंने, और मेरे को पूरा कोऑपरेट करते हैं वो। जब भी कोई मेरे से अगर कोई आदमी मिलने के लिए आता है, मैं अगर कोई दूसरा काम भी करूँ तो तुरंत आके कहते हैं मम्मी आपसे कोई मिलने आए, आप उनको पहले मिलिए। तो मेरे बच्चे सेटिस्फाई चीज़ से। हाँ, ये ज़रूर होती है कि कभी कभार कोई फैमिली प्रोग्राम होता है, कुछ होता है तो उनको नहीं दे पाता, तो थोड़ी सी होती है कि मम्मी भी खास हमारे साथ होते तो अच्छा लगता है। मंजू जी, अभी अभी हमें हमारी जानकारी में आया कि आपने PhD भी करी है, तो PhD आपने किस विषय में करी, कहाँ से करी? और मुझे ऐसी जानकारी मिली कि नागौर की राजनीति के ऊपर आपने PhD करी, तो ये ख्याल मन में कहाँ से आया? जी देखिए, मेरी पढ़ाई का तो शुरू से मुझे लगा कि भाई मुझे कुछ न कुछ करना, राजनीति में थी। और मैं जिस जगह से आई हूँ, जिससे नीचे के जो पॉइंट है, जैसे नीचे सबसे नीचे स्तर का पंचायत समिति सदस्य, वहाँ से मैं उठ के आई हूँ। तो मेरी एक जैन एक जिज्ञासा थी, क्योंकि उस टाइम अनुभव नहीं था। तो मैंने 5 साल प्रधान पंचायत समिति के तौर पर हर पब्लिक को छूने की और उनके काम करने की कोशिश की। तो जैन में एक ये थी कि अगर मैं किन परिस्थितियों से जूझ रही हूँ, तो मैंने इस चीज़ को एक जिला परिषद तो मैंने इसलिए किया कि भाई वहाँ पर अगर कोई जनप्रतिनिधि, चाहे महिला है चाहे आदमी, कोई क्यों नहीं हो, गांव से अगर कोई आदमी को चुन के बड़ी उम्मीद के साथ भेजता तो उसका काम होता है या नहीं होता है, वो कैसे फेस करे, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं हो रही। तो एक जुनून था कि मुझे इस पर कुछ करना चाहिए, मुझे देखना, क्योंकि मैंने खुद ने छोटे से रूप में पंचायत समिति सदस्य के तौर पर मैं उनकी जिला परिषद की सदस्य भी रही हूँ। तो मैंने खुद तो इन चीज़ों को महसूस किया। फिर पंचायत राज की स्थापना अपनी शुरुआत नागौर जिले से हुई है, तो सारा सब कुछ ऐसा लगा। तो इसलिए इस जिला परिषद को चुना और उसको ज़्यादा गहराई से और जान सकूँ, जो मेरा अनुभव था मैंने खुद ने महसूस किया, इसलिए इस टॉपिक को लेकर मैंने यहाँ। शोध का विषय क्या रहा है और किन के निर्देशन में किया है आपने? शोध का मेरा जिला परिषद पे है, और निर्देशन मेरे जो प्रोफेसर हैं वो है डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, जयपुर के हैं, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, और इसलिए इस टॉपिक को चुना ताकि उसको मैं अच्छी तरह से गहराई से मैं जान सकूं, और अनुभव के आधार पर, क्योंकि खुद ने महसूस किया इस चीज़ को, इसलिए इस टॉपिक को लेकर उनके मार्गदर्शन में मैंने ये किया। मंजू जी, बच्चों को लेकर आपका क्या एम्बिशन है, क्या बनता हुआ देखना चाहते हैं बच्चों को, किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? जी, बच्चों का मेरा है डॉक्टर बनाने का, और मेरे बच्चे डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहे हैं बाहर। मेरा खुद का था कि भाई मेरा पेशा पब्लिक की सेवा करने का है, तो इस चीज़ को मैंने भी महसूस किया भाई बच्चों को भी ऐसी पढ़ाई कराऊँ जिससे वो पब्लिक की या जो आदमी की सेवा कर सके। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगा भी, मुझे लगा कि उनको डॉक्टर बनाना चाहिए ताकि वो हेल्प कर सके उनकी। तो बच्चे अभी आपके क्या कर रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका है या मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं? मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और बाहर पढ़ रहे हैं बच्चे मेरे दोनों ही। एक बड़ा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा 21 साल का, दूसरा बच्चा छोटा 19 साल का है। दोनों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं बाहर। मंजू जी, एक एम्बिशन होता है एक पॉलिटिशियन का कि वो अपनी जो क्षेत्र की जनता है उसे इस तरह के कुछ सौगातें दे पाए जिनको जनता उम्र ताउम्र याद रखे, तो क्या इस तरह की आपकी एम्बिशंस अपने क्षेत्र के प्रति है? देखिए, मेरा जैल में सबसे बड़ी बात है पानी की। हमारी, आपको ध्यान हो तो राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी आई थी 2013 में, 20 जून 2013 को यहाँ आके गई थी। तो उन्होंने नहर का पानी की बहुत, यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, तो नहर के पानी की जो सबसे बड़ी सौगात है वो जैल में हमारी यहाँ हुई। इसके साथ में ही दूसरा काम था कॉलेज की, जो क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रही, मुझे बहुत परेशानी हुई थी, मैं नागौर से आना चाहती, मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि भाई यहाँ पर उच्च शिक्षा भी होनी चाहिए, तो मैंने कॉलेज की यहाँ पर कॉलेज खुलवाई। इसके अलावा बच्चों के लिए, जो युवा बच्चों के लिए बेरोजगारी के लिए, मैंने यहाँ पर ITI खुलवाई। तो ये चीज़ें बड़ी थी जो कम से कम आज बच्चे हैं, ये 5 जो गांव में हर आदमी ढाणी पर बैठा वो आदमी इन चीज़ों को महसूस कर, भाई कुछ काम यहाँ हुआ है जिसकी हमें मूलभूत आवश्यकता थी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो। तो ये चीज़ें जो पब्लिक वास्तव में याद रखे, भाई यहाँ हमारे यहाँ काम हुए हैं। मंजू जी, क्या अभी आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी सोचा था कि आप विधायक और मंत्री तक बन जाएंगी? मतलब किस तरह से, मतलब आपका राजनीति में एंट्री हुई, और मतलब कभी एक सामान्य स्टूडेंट, सामान्य गृहिणी होने के बाद सरकार में मंत्री तक बन जाना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है आपने, तो किस तरह का रहा है सफर? देखिए, मेरा कोई ऐसा नहीं था, मेरा ये जरूर था पढ़ाई करने के बाद में सीनियर करके STC करके टीचर बनने का था, क्योंकि फादर मेरे इस चीज़ से थे, तो एक इच्छा थी कि भाई एक टीचर बन के ये काम कर सकूँ। लेकिन जब मेरी शादी हो गई थी, STC में सीनियर STC में फार्म भरा, उस टाइम बैन लग गया था, उधर बैन लगा, इधर राजनीतिक से मेरा एंट्री हुई। तो वो जो था मेरा सपना, वो इधर नहीं आ गया, इधर आ गया। पर उस चीज़ से मैं ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करती हूँ, क्योंकि इसमें मैं पब्लिक की सेवा करूँ तो मेरे मन में सेटिस्फाई कि मैंने कुछ किया है। मंजू जी, सरकार में मंत्री रहने का आपका मौका मिला है, तो मंत्री रहने के दौरान आपका
ऐसा कोई काम जो आपको यादगार रहा हो, जिसको आपको लेकर बहुत संतुष्टि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मिलती हो? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पहले बताया, मैंने कहा सबसे बड़ा काम हमारे यहाँ पर काम था पानी का। राजनीतिक में आने के बाद और मंत्री बनने के बाद में सबसे बड़ी सौगात मेरे यहाँ पर दो चीज़ें की हुई थी, कॉलेज और प्लस पानी। ये दोनों चीज़ें यहाँ हुई जिसकी मैंने भी कमी महसूस की, चाहे वो शिक्षा की बात हो चाहे पानी की बात हो। तो ये बहुत बड़ा काम है जिसको भाई मुझे भी सेटिस्फाई, मेरे पब्लिक को भी सेटिस्फाई कि ये काम हुआ। ये बहुत बड़ा मेरे यादगार मेरे इस चीज़ के लिए है। और इसके अलावा आईटीआई की जब बात चली थी, जो मैं बच्चों को देखती थी मेरे से सवाल करते थे, तो ये चीज़ भी, तीनों चीज़ों काम बहुत बड़े मेरे यहाँ जायल में हुए हैं, जिससे मुझे भी संतुष्टि है, मेरी आम पब्लिक को भी संतुष्टि इस चीज़ की। मंजू जी, ये तो हुई क्षेत्र के लिए बात। मंत्री रहने के दौरान आपने प्रदेश के लिए कोई ऐसा निर्णय आपके कार्यकाल में हुआ हो जो आपके लिए यादगार हो, या प्रदेश की जनता के लिए बहुत मायने रखता हो? देखिए, उस दिन यादगार ये रहे। इसी के साथ में जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये आई थी नहर के पानी की, तब उस टाइम में 33% महिलाओं को फ्री बस सेवा की यहाँ बात चली थी। वो एक बहुत बड़ी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था, जो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने कहा, जो पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए एक सौगात थी, बहुत बड़ी बात, जिससे हमें भी सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर कुछ एक यादगार चीज़ यहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। मंजू जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? मतलब किस तरह से आप अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकाल पाती हैं? मेरी हॉबीज तो कुछ नहीं। देखो, मैं कोई विशेष मेरी कुछ नहीं, मुझे स्टडी पढ़ने का बड़ा शौक है, और पढ़ने के साथ में पब्लिक की सेवा का मेरा था, तो वो मैं कर ही रही हूँ। और इसके अलावा जैसे ऐसा कुछ लगता है, ऐसे कोई कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है और कुछ आती है, तो सॉन्ग जरूर पसंद करती हूँ, ताकि रिलैक्स मिल सके मुझे। जैसे कभी कोई मेरा आदमी, कोई अगर कोई मेरे पास आता है, उसका काम नहीं कर पाती हूँ किसी भी बात को लेके, तो ऐसा ऐसा होता है कि अगर आदमी मेरे पास बड़ी उम्मीद के साथ है, इसका अगर काम नहीं कर पा रहा, तो एक वो बैठ जाता है टेंशन में, इसका काम मैं कैसे कर सकूँ, उसकी मदद मैं कैसे कर सकती हूँ। उसके लिए हर तरह का प्रयास करती हूँ मैं, इस आदमी के मेरे पास उम्मीद का, तो उसका काम कर सकूँ। कई बार ऐसे काम होते हैं जो नहीं भी कर पाते, तो एक मन में एक दुख होता, तकलीफ होती है कि अपन को अगर इस यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक आए हैं, उस आदमी का काम होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ, तो एक मन में एक वो होती है ना, ऐसे टाइम में फिर थोड़ी निराशा जरूर किस आती तरह का है। संगीत पसंद करते हैं? जी, ये जो जो दिल को सुकून दे सके, नए पुराने किस तरह के, पुराने गजल पसंद कर गीत किस तरह से? पसंद कर पुराने पसंद करती हूँ, जी पसंद मंजू करती जी, हूँ। अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कुछ बताएं। कैसे है आपकी स्टूडेंट लाइफ? कहाँ आप पढ़े हैं? कौन से स्कूल में पढ़े हैं? कौन से जी कॉलेज में पढ़े हैं? क्या छात्र संघ में आपकी कोई भूमिका रही है? देखिए, मेरी शुरुआत, मेरा पियर पुष्कर है, जी ब्रह्मा जी की नगरी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरे फादर प्रिंसिपल रहे हैं, और पढ़ाई मेरी पुष्कर में वहीं पर हुई है। प्राइमरी स्कूल से मैंने 5वीं तक वहाँ पुष्कर में किया, फिर गर्ल्स स्कूल में पढ़ी। इसके बाद में 12वीं तक तो मैंने स्टडी वहाँ पे की थी। फिर 12वीं स्टडी के बाद में मैरिज, शादी हो गई थी, यहाँ आ गई। बाकी जो मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है, मैंने मिर्धा कॉलेज से करी है, MA मिर्धा कॉलेज से किया मैंने यहाँ तक।